वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड वेलकम बैक टू क्यूटी ब्यूटी संजय ब्रॉय ब्लॉग। ये मोटे मुंह वाली मेरी क्लाइंट है। तो हेलो माय पब्लिक, हेलो नमस्कार। आज का व्लॉग है एंड आई एम बोलते हैं एनीमे बोलते हैं एंड आई एम एनीमे क्यों बोलेंगे मेकअप ट्यूटोरियल, जो कार्टून जैसा वाइट स्किन वाला मेकअप ट्राई करेंगे हम लोग। और ये हमें नाक में उंगली डाल के डिस्टर्ब कर रही है। कैमरा का एंगल बहुत खराब है। अभी जो कैमरा वुमेन है, कैमरा मैन नहीं, कैमरा वुमेन, वो बर्तन धो रही है, तो तब तक हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। ओके ये मोटे मुंह वाली मेरी क्लाइंट है। इसके ये जो गायब आईब्रो हम लोग उसको शेप देंगे। मतलब नहीं यार, मत बोल, बकवास मत किया कर संजय। पतली पतली आईब्रो जो कार्टून में, मैं वीडियो फोटोज दिखाता उसकी इस फोन में, तो मैं नहीं दिखा पा रहा। वैसे पतली पतली आईब्रो बनाएंगे, इधर दिखा देंगे, इसे टिंग करके दिखा देंगे। दिस इज हाउ एवरी इन्फ्लुएंसर बीइंग क्यूट। आईब्रो को परफेक्ट शेप देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी चाहिए, जिससे कि हम किसी हैंडसम लड़के या खूबसूरत लड़की को देख के मारते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। इसके बाद अच्छे से फाउंडेशन से फेस को पेंट कीजिए और गोरा कीजिए अपने फेस को। वाओ, टू डू, मतलब ये इसमें ज़्यादा वाइट शेड चाहिए, मतलब थोड़ा लाइट स्किन चाहिए इसके लिए। और मेबलिन का है फाउंडेशन का मेकअप। और फिर स्पॉन्जर से अच्छे से फेस को रगड़िए, इतना रगड़िए कि फेस छिल जाए और फाउंडेशन उसके अंदर घुस जाए। के बाद आपके फेस में आएगा नेचुरल ब्यूटी और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मेकअप किया है। मैंने भी अभी मेकअप किया है, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। याद रहे डार्क सर्कल को अच्छे से ढके, जैसे आप अपनी गलतियाँ ढकते हो। अपनी गर्ल्स को तो पता है ना अपनी गलतियाँ कैसे ढकनी चाहिए। और फिर देखिए मैंने इस बंदरनी को कितनी खूबसूरत बना दिया। ओहो वाओ वाओ वाओ। पीछे पतीला है उसको इग्नोर कीजिए और बहुत सारा पाउडर लगा दीजिए ताकि फाउंडेशन इधर उधर ना हिले, उन्हें अपने औकात में रहने दें। ऐसे हालत में बाहर ना जाए, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब आई शेडो से हम लाइन खींचेंगे और बड़ी बड़ी आंखें बनाएंगे, जैसे हमारी चुगलखोर आंटी, मोहल्ले की आंटी, जब आप किसी लड़की या लड़के के साथ बाहर दिखते हो तो बड़ी बड़ी आँखें बन जाती है, वैसे ही टाइप के सीसीटीवी कैमरा जैसे आँखें। आंखों को बड़ी करने के लिए इस सफ़ेद पदार्थ का उपयोग कीजिए, जिससे आपकी आंखें बहुत फैली फैली, बड़ी बड़ी और कुछ भेंगी भेंगी टाइप की लगेंगी। उप्स, अच्छा नहीं लग रहा। छिछी फाइनली लाइनर हो गया है, इस आंख का लाइनर अच्छा हुआ है। आंख बनकर और इस आँख का लाइनर थोड़ा ख़राब हो गया है, पर मैंने सुधारा इस लाइनर को। इसको तो लाइनर लगाना भी नहीं आता बाहर की मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट तो मैंने किया है, जो किया है तो लाइनर ख़त्म हो गया था, तो हमने मस्कारा से लाइनर लगाया। सॉरी कि पैलेट हमने यूज़ कर दी, हमारे कूड़े दान का पैलेट है। तो हमारे पास इतना मेकअप है कि हम कूड़े में फेंकते हैं, इतना मेकअप है, इतना मेकअप है। रिंग लाइट भी हम फेंकने वाला है और बहुत ज़्यादा रिंग लाइट है, देखो पूरे जितना रिंग लाइट है हमारे पास। और क्या बोले, इतना ही भाग सकते हैं हम, और भाग दिया है और आगे लाइनर लगा रही है। मेरे को सुधारना पाएगा क्या है। अगर मेकअप करके थक गए तो कच्चा बदन पे डांस कर लीजिए। 3, 2, 1 तुम हंसने पेरी, तुम हन जाने जहाँ तुम। आगे का नहीं आता, मैं आगे गाने में डाल दूंगा ये गाना, आगे वाले स्लोमो में। को इन्फ्लुएंजर को ऐसे दोहरे आते रहते हैं। नाउ वी हैव टू लाइन अप, मतलब कि लाइन को ऊपर से मतलब आउटलाइन बनाएं एंड छोटा लिप्स बनाएं नीचे का और ऊपर का बड़ा। एंड मेकअप के साथ आई एम
teaching English. So if you want to connect me, so message me and call me, DM me, subscribe me, because English so much come to me. ओके सूट तो साफ कर लो, मक्खी नहीं लेना है। चलता है ब्रो, इतना तो अपनी शक्ल साफ करो पहले। गजब बेइज्जती है। इन दीदी को फिर से दोहरे आ गए। हेयर स्टाइल को ओवर है। हेयर स्टाइल बाय मम्मी। झूठ, तू न देखा न देखा। स्टार्ट। स्लो मो ही नहीं हुआ। हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान। सौंदर्य साबुन निर्मल क्या रंग खिला। यू डिड वेरी ग्रेट जॉब। वन टू थ्री प्रश्न हटाओ। दुनिया ने कहा Thank you for watching our makeup tutorial and don't forget to like this, press the like button, and thank you guys, thank you. Thank you for watching my video, I mean our video, और मैं ऐसे ही मैं वीकली अब पोस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ संडे को, एवरी संडे, क्योंकि पंक्चुअल हो गया हूँ मैं, अब थोड़ा काम धंधे में लग रहा हूँ। सो इसकी बातों को मत जाना, ये झूठ बोलते हैं। Shut up.